Assalamualaikum everyone, this is Gulzar Munawwar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला. आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें हमने एक ट्राइनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यूजिंग द ट्राइनोमियल फार्मूला. बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, हम पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की, जबकि हमें गिवन है p प्लस q प्लस r के वैल्यू जो कि रूट 7 है, और इसके साथ हमें गिवन है p q प्लस q r प्लस r p इज इक्वल टू 2. सो इस गिवन सिनेरियो को सामने रखते हुए मैंने जो फार्मूला मुंतखब किया है वो मेरे पास है ट्राइनोमियल के स्क्वायर का फार्मूला. मैंने इस फॉर्मूले को क्यों सेलेक्ट किया, बाकी फार्मूला से क्यों सेलेक्ट नहीं किया, स्टूडेंट्स के लिए इस चीज का जानना ज्यादा अहम है. अगर आप इस चीज को क्लिक कर लेते हैं, इस चीज को पकड़ लेते हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व द होल क्वेश्चन. तो अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है उस चीज का आपके इक्वेशन के अंदर होना इस चीज की तरफ इशारा है कि ये फॉर्मूला कुछ हद तक 50% suitable है to use for the given scenario. तो एक तो ये चीज मुझे इस फॉर्मूले में नजर आई. दूसरी चीज ये कि ये चीज मुझे गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकता हूँ ट्राइनोमियल के स्क्वायर वाले इक्वेशन में. तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया. थर्ड रीजन ये है कि मेरे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गिवन है, तो मैं इजिली यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी में कर सकता हूं और इसमें से टू को कॉमन निकाल के मेरे पास ये सिचुएशन आ सकती है. तो इस वजह से मैंने इस फॉर्मूले को सेलेक्ट किया. द रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ दिस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. अब हम इसके बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो जनाब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ट्राइनोमियल को जो कि इस वक्त 1 डिग्री फॉर्म में, यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है ट्राइनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में. तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करनी होगी इस तरफ की, क्योंकि मैथमेटिक्स है, स्क्वायरिंग अगर आप इस तरफ करते हैं तो आप पे लाजिम है ताकि वो इक्वेशन इक्वल हो, तो आप राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर रहे हैं ऑन द बोथ साइड. तो जनाब हमारे पास ये बन जाता है पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 होल स्क्वायर. हमने क्या किया, इसको लिया और इसके ऊपर स्क्वायरिंग की. तो आप जानते हैं रूट और ये 2 जो है वो कैंसिल हो चुका है और हमारे पास क्या बचता है, पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7. अब हम यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको हम एक्सपेंड करें इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस टू क्यू आर प्लस टू पी आर इज इक्वल टू 7. मैंने क्या किया, इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मेरे पास ट्राइनोमियल की टर्म थी इसको मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया यूजिंग द गिवन फॉर्मूला. अब अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन को देखें तो मुझे इस हिस्से को फाइंड करना है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पोर्शन को मैंने फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. तो क्या मैं इस इन तीन टर्म्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, जी कर सकता हूं. मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसमें से कॉमन लेता हूं अगर 2, तो मेरे पास ये सूरत हाल बन जाती है कि अंदर क्या बचता है मेरे पास, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है जी, इट इज इक्वल टू 7. तो इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में जो काम करना है वो ये करना है कि हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो हमने इस वैल्यू को पुट किया और देन काम हमारा बहुत आसान हो चुका है. अब हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2 2 2 2 times इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 7. अब बहुत सिंपल काम बाकी है, जो कि यह है कि पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो उस 4 को हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, 7 माइनस 4
सो द आंसर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ हमने ट्राइनोमियल के स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए एक अननोन ट्राइनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट की। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी।